अभी ये गियर साइकिल बनाना जा रहे हैं तो खड़ा हो जाऊंगा। इसको ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं तो इसके ऐसे हो जाएगा, इसके ऐसे उठा के देखेंगे किस तरफ से लगाना है अच्छे से। ये इसको इस तरह से निकाल देना है, पहले इसको घुमाना है। देखिए दोस्तों, पहले इसको आप लोग खोलना पड़ेगा, सामने से देखना, ऐसे देखो, ये ढीला करने के बाद आप इस तरह से इसको घुमाना है और थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करके रखना है और फिर से नट वापस कस देना है। ऐसे करके इसको नट इस तरह से, ये वाला एलिंग लगेगा दोस्तों, देखिए अच्छा से, और इसको इस तरह से यहाँ पे डाल के कस देना है। और देखिए दोस्तों, ये सारे नट खोल चुका हूँ, इसको भी खोल देना है इस तरीके से खोल के, एक नट को ऐसे रखे और ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे डाले और सीधा स्ट्रेट करना है, इस तरह से करना है ठीक होगा। तो अच्छे से देख के आपको ये नट ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लगा देना है। और देखिए दोस्तों, ये पहले नट लग चुका है, अभी इसके बाद आप लोग को नट इसमें डालना है, अभी डायरेक्टली सीधा यहाँ पे डालना है, इधर मत डालना है, सीधा यहाँ पे डालना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कर दिया, इसको लगा दिया, अभी उसके बाद फ्रंट बोल्ट लगाना है। देखिए ये वाला, इसको ऐसे कर ऐसे निकाल दो, इसको भी इस तरह से ऐसे निकल के खिला दो। उसके बाद आप ये इसको ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे एक इसके सेफ्टी के लिए एक एक्सल लगा हुआ है, इसको निकालना है। देखिए दोस्तों, अभी इसको ध्यान से देखना है, ये किस तरह से लगाना है, किस तरफ से लगाना है। ये जो डिस्क ब्रेक है ना, उसको डिस्क ब्रेक का वो ब्रेक शू किधर है, उधर उधर के साइड ऐसे करके लगाना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से अच्छा से देख के लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से लग चुका है, अभी लग चुका है। क्या क्या निकलेगा देखिए दोस्तों, अच्छा से क्या क्या है देखते हैं। ये देखिए, ये स्टैंड साइकिल का बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ये एडजस्ट भी कर सकते हैं, लंबा छोटा कर सकते हैं आप, देखिए। और इसके बाद ये है आपका पैडल, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, देखिए इसका ग्रिप, आपका पैर कहीं फिसलने नहीं जाए, कीचड़ लगने से भी, आप बारिश होते समय भी चला सकते हैं, आपका पेड़ फिसलेगा नहीं, इसके वजह से ये दिया है। ये बैक रिफ्लेक्टर है, देखिए। इसके बाद टायर का कवर क्या है, और ये हो गया सीट के लिए, देख सकते देखो ऐसे। इसके बाद ये हुआ सीट, ये हुआ गियर सेफ्टी, गियर के लिए सेफ्टी करने के लिए ये देता है, देखिए ये फ्रंट रिफ्लेक्टर। ये हो गया मेन, अभी ये फ्रंट साइड के व्हील में लगने वाला है। ये हो गया एक्सल पे काम करता है, ये अभी न्यू मॉडल में जैसे आता है, देखिए इसको जैसे खोलिए, ये एक स्प्रिंग हाथ में लीजिए, उसके बाद इधर से ये सब घिसाना है, देखिए इधर से घुसाया
यहाँ पे एक होल होता है जो एक्सेल होता है उसके अंदर एक होल होता है, उसमें घुसा लेना है आपको। इसके बाद ये है ना, इसको लगा देना है। बहुत ही ईजी है मेरे दोस्तों। अगर अभी तक भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी इसको इस तरीके से ऐसे पुश कर देना है। हो गया आगे का चक्का फिट हो गया, देखो अच्छे से फिट हो चुका है। तो देखिए मतलब देखो नहीं मेरे ऑनलाइन ना देखा है। तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी स्टैंड लगाना जा रहा हूँ, ये दो स्क्रू ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए अभी इसको यहाँ पे लगा देना है ऐसे करके। अभी इसको इधर से नट लगा देना है। बहुत आसानी है दोस्तों, इसे हाथ से कस दिया और दूसरी तरफ भी लगा देना है इस तरह से। उससे लगाने के बाद एलिंकी से अच्छे से कस देना है इस तरह से। देखो ये स्टैंड अभी छोटा पड़ रहा है क्योंकि ये भी निकाला नहीं है। अभी इसको एक एलिंकी से, ये वाला एलिंकी से यहाँ पे लगा के ढीला करके इसका लंबा कर सकता है। देखिए दोस्तों देखिए निकल गया, देखा हो गया ये। ये होने के बाद इसको ठीक जगह में रख के इसको कस दीजिए इस तरह मेरी तरह है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे पेडल को लगाना चाह रहा हूँ। इसमें देखना है आपको यहाँ पे देखो R और L लिखा होता है, ये कौन सा साइड लगाना है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख रखा है देखो यहाँ पे R, इसका मतलब राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो हमारे अभी ये लेफ्ट साइड पे लगाने वाला है। आप इस तरह से पकड़िए थोड़ा सामने करो कैमरा लेंस, इस तरह लगा के इस तरह से घुराना है। तो देखिए ये इससे रेंच लेके 15 नंबर का रेंच लेके यहाँ पे लगा के इस तरह से बैक साइड रोटेट करना है इस तरह से। देखिए इतना आसानी से हो गया। तो दोस्तों अभी ये लगाना चाह रहा हूँ, ये राइट पैर का राइट, ऐसे करके आपको इस तरह से आसानी से घुराना है। देखो देखो इतना आसानी से टाइट हो रहा है, बैक साइड इसको रोटेट करना है तो खुद टाइट हो जाएगा। ये देखो हो गया, ये भी लग गया, पेडल का काम खत्म। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से लगाना है सीट को, इस तरह से अच्छे से देखिए। ये नीचे एक नट बोल्ट है, इसके बाद ऊपर स्क्रू है, इसको एलिंकी से यहाँ पे ऐसे करके टाइट कर देना है। ये इसके बाद अंदर से अंदर अंदर है, इसके बाद इस करिए अच्छे से टाइट करिए इसको, ये सीट को ये कर दिया, टाइट हो गया मजबूती से। देखिए दोस्तों देखिए इधर अभी इसको ये टाइट हो रहा है, इसको खोल देना है, ये निकाल के रखना है और इसको आराम से इसे डाल दीजिए। देखिए बहुत आसानी है दोस्तों। अच्छा रुकिए एक चीज़ और बाकी रह गई। देखिए दोस्तों ये सीट लगाने से पहले आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, ये रिफ्लेक्टर है ना, इसको भी इस तरह से लगा देना है। इसको पहले इस तरह लगा देना है, स्ट्रेट सीधा करके इसको यहाँ पे कस देना है। दोनों काम हो चुका है, अभी सीट लग चुका है, रिफ्लेक्टर लग चुका है, इसके बाद सीट को लगा देना है यहाँ पे साइड पर। इस तरह से लगा के अच्छे से
इस सीट को थोड़ा सीधा करके अच्छा से मिला के ये कस देना है, इसको इस तरीके से कस देना है। देखिए हो गया, सीट भी लग चुका है दोस्तों, सीट भी लग गया, टेबल भी लग गया, सीट भी लग गया, इसको व्हील्स भी लग गया। अभी दोस्तों ये लगाना है, गियर का सेफ्टी लगाना बाकी है। और ये साइकिल 91 ब्रांड का है, देखिए वेक्टर 91, इसका नाम है मैनचेस्टर। देखिए ये साइकिल का नाम मैनचेस्टर 91 है, बहुत ही अच्छा है ये साइकिल आपके लिए। और अलॉय का बना है, बहुत ही हल्का है, बहुत चलाने में बहुत स्मूथ लगता है ये साइकिल। और भी अनबॉक्सिंग ऐसा अनबॉक्सिंग और ऐसा असेंबल के वीडियो देखना है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और इसको आप सस्पेंशन भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, देखिए प्योर स्टील से बना है। और ये देखिए सस्पेंशन का लॉक भी है, इस तरह करने से आपको लॉक हो जाएगा या अभी नहीं दबेगा। ये लॉक करने के बाद ये दबता नहीं है, इसको ऐसे ऑन करके रखता है, एनी टाइम ऑन कर दिया, ये लॉक ये ऑन। देखो सेवन गियर का है, ये गियर भी सीमान आसी रखा है, देखिए अच्छे से गियर भी बहुत अच्छा के क्वालिटी का है, सीमाना ब्रांड का। तो साइकिल पूरी तरीके से बन चुका है आप लोगों का, अभी मैं साइकिल थोड़ा दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों साइकिल बन के तैयार है, हमारा 91 विक्टर साइकिल। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।